रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें करें और प्रेस करें बेल आइकन। नमस्कार आप देख रहे हैं जिसकी वजह है कि दिल्ली में पूर्वांचली वोटरों का बड़ी तादाद में होना करीबन उन्नीस फीसदी यानी अट्ठाईस लाख पूर्वांचली वोटर दिल्ली में रहते हैं जो सीधा सीधा दिल्ली की उन्तीस सीटों पर प्रभाव डालते हैं कैसे जरा देखिए दिल्ली में पूर्वांचली वोटर के बिना कई सीटों पर जीत दर्ज करना मुश्किल है यही वजह है कि जातिगत समीकरण के हिसाब से टिकट बांटने वाले राजनीतिक दल क्षेत्रीयता के इस जादुई आंकड़े का ध्यान में रखते हैं बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने प्रदेश संयोजक की जिम्मेदारी पूर्वांचली को सौंपी है तो कांग्रेस में अलग से पूर्वांचल कांग्रेस का गठन किया गया है यह पहला मौका है जब बीजेपी ने तीन सीट और कांग्रेस ने चार सीटें यूपी बिहार में राजनीति की धुरी राष्ट्रीय जनता दल जनता दल यूनाइटेड और लोक जनशक्ति पार्टी को दी है तीनों दलों के नेताओं ने न सिर्फ अपनी अपनी पार्टी बल्कि नीतीश कुमार ने भाजपा और तेजस्वी यादव ने कांग्रेस के लिए प्रचार किया है विधानसभा चुनाव को देखते हुए राजनीतिक पार्टियों ने कई सीटों पर अपने दिग्गज नेताओं को मैदान में उतारा है आम आदमी पार्टी ने मंत्री गोपाल राय और प्रवक्ता दिलीप पांडे को टिकट दिया है वहीं बीजेपी ने पूर्वांचल मोर्चा अध्यक्ष मनीष सिंह अभय वर्मा समेत कई पूर्वांचली नेताओं को चुनावी मैदान में उतारा है कांग्रेस ने कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष कीर्ति आजाद की पत्नी पूनम आजाद को मैदान में उतारा है बीजेपी ने संगम विहार और बुराडी सीट जेडीयू को और सीमापुरी सीट लोक जनशक्ति पार्टी को दी है तो वही कांग्रेस ने बुराडी किराड़ी उत्तम नगर और पालम से आरजेडी को टिकट दिया है हालांकि ये पार्टियां अपने अपने स्तर पर पहले भी चुनाव लड़ती आई है चुनाव आयोग कार्यालय के मुताबिक दिल्ली में एक करोड़ सैंतालीस लाख मतदाता हैं अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के अनुमान के मुताबिक करीबन 19 फीसदी पूर्वांचली वोटर हैं, यानी करीब 28 लाख वोटर पूर्वांचली हैं, जो किसी भी वर्ग के वोटरों की तुलना में सबसे ज्यादा है दिल्ली की सात लोकसभा सीट में से सबसे ज्यादा पूर्वांचली वोटर नॉर्थ ईस्ट लोकसभा सीट पर है पूर्वांचली पार्टियों के उम्मीदवार मौजूदा समय में सबसे बड़े वर्ग के रूप में उभरे पूर्वांचली वोटर के कारण तमाम प्रमुख राजनीतिक पार्टियों में इस वर्ग के लोग अहम पदों पर हैं सरकार किसी भी पार्टी की हो इनकी मौजूदगी उसमें रहती है आम आदमी पार्टी ने बारह पूर्वांचलियों को उम्मीदवार बनाया है जबकि बीजेपी ने 10 पूर्वांचली उम्मीदवारों को टिकट दिया है इसके अलावा पूर्वांचल की दो पार्टियां जेडीयू और लोक जनशक्ति पार्टी को भी टिकट दी गई है साथ ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी है तो कांग्रेस ने कीर्ति झा आजाद को प्रचार अभियान समिति का अध्यक्ष बनाया है तो वहीं आम आदमी पार्टी ने संजय सिंह को राज्यसभा सदस्य जबकि गोपाल राय को पार्टी का प्रदेश संयोजक बनाया है तो आपने देखा कि किस तरह से पूर्वांचली वोट बैंक दिल्ली के इस सियासी दंगल में गेम चेंजर्स साबित हो सकते हैं जिसके लिए सभी पार्टियों ने अपनी रणनीति के तहत पूर्वांचली उम्मीदवारों पर दाव लगाया है हालांकि अब देखना यह होगा कि पूर्वांचली वोट बैंक किस पर अपना भरोसा जताते हैं इस खबर में फिलहाल इतना ही देश विदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए इंडिया टाइम ट्वेंटी फोर न्यूज नमस्कार खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें आइकन।